असल ये तुम्हारी मोहब्बत है कि तुमने मेरे लिए इतना बेहतर सोचा। But I'm sorry, ये इतनी महंगी गाड़ी मैं तुम्हारे घर वालों से तोहफे में कबूल नहीं कर सकता। सुल्तान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भैया ने इतने प्यार से खरीदी है ये गाड़ी आपके लिए, आपके बर्थडे के सरप्राइज के लिए, ऐसा मत कहें। सरवर भाई, गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों सुल्तान, ये हम सब की तरफ से कंबाइन गिफ्ट है तुम्हारे लिए। आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन मैंने आज तक कोई इतना महंगा तोहफा लिया ही नहीं जो मैं पलट के वापस ना कर सकूं। वाह, असल आपकी बहन है, आई नो आप इससे प्यार करते हैं, इसकी केयर करते हैं, आपको जो भी तोहफा देना है ना आप दीजिए, लेकिन असरा को मुझे नहीं। बाबा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। अच्छा सरवर भाई, आप लोगों ने मेरे लिए इतने सारे एफर्ट्स किए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोग मेरा पॉइंट समझेंगे। अच्छा, गाड़ी में तुम्हारा वेट कर, अपने घर वालों से मिलकर जल्दी आ जाओ। सर साहब, शुक्रिया। बच्चे का पता है आपको, बड़ी तबीयत उसकी। हाफिज। I'm sorry. The office. पता नहीं, I have this feeling कि आज सुल्तान ने कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं दिखाया। लीजा, I think मैं तो इसको खुददारी समझता हूं। इंसान जब अपने बलबूते पे कोई मुकाम हासिल करता है ना, तो थोड़ा सा तो एटीट्यूड आ जाता है ना उसमें। हालांकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लोग उसे एटीट्यूड समझते हैं। आई गेस उसे ये ऑकवर्ड लगा होगा कि हमने उसे इस तरह घर बुला करके गिफ्ट्स ऑफर किए। अजीब फीलिंग हो गई होगी शायद उसे। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। आई थिंक यही बुरा लगा होगा उसको कि हमने उसे घर बुला के तोहफा दिया। आई थिंक यू राइट। तब क्या करेंगे, घर जाकर देंगे आप गाड़ी उसको? मेरे ख्याल में जब तक उधर से कोई पेशरफ्त ना हो, हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे असरा और सुल्तान के रिश्ते पे कोई असर पड़े। ठीक कह रही है माँ। सरवर साहब, नया नया रिश्ता है, नाजुक होता है। हम मोहब्बत या गर्मजोशी दिखाएं और सुल्तान उसको किसी दूसरे ही एंगल में ले ले तो ठीक है। जब तक सुल्तान हमें ग्रीन सिग्नल नहीं देता, हम
तोहफे के मामले को जरा डिले कर देते हैं। What do you say? ठीक है ना अम्मा? ठीक। सुल्तान प्लीज अब तो गुस्सा खत्म कर दें। अच्छा प्लीज इस वक्त मुझसे कोई बात मत करो, सो जाओ तुम। बात को मत बढ़ाएं। मैं बात को बढ़ा रहा हूं? तुम्हें क्या लगता है अर्षा, मुझे शौक है अपनी जिंदगी में जहर घोलने का, या मुझे मजा आता है अपने आप को परेशान करके स्ट्रेस आउट होके? आप खुद स्ट्रेस कब लेते हैं? आपको तो हर वक्त मुझे स्ट्रेस में रखने का शौक है। बस अब जवाब दो, चुप क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी सफाई कैसे पेश करूं। सफाई उस वक्त पेश की जाती है जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो। तुम्हें है अपनी गलती का एहसास? My God. अच्छा मैं जब भी तुमसे बात करता हूं तुम इस तरह पत्थर की क्यों हो जाती हो? जवाब दो मेरी बात का। क्योंकि मैं आपके साथ इख्तलाफ नहीं करना चाहती। मैं आपको खोना नहीं चाहती। अगर मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो तो मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी क्यों नहीं गुजारती? कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, चूक हो जाती है। और फिर आप जब इस तरह से मुझ पर गुस्सा करते हैं, चाहते ना चाहते मैं पत्थर की बन जाती हूँ। अच्छा इतना डरती हूँ मुझसे क्यों? मैं कोई जिन हूं या कोई जालिम बादशाह जो हर वक्त तुम्हें सजा देने के बहाने ढूंढता है? नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रही थी कि मैं आपको नाराज नहीं देख सकती। सुनो मेरी बात, I agree। मैं मानता हूँ कभी कभार मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाता है। I know।